हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटी ब्लॉग्स। सो दो दिन पहले मैंने दिल्ली से गुवाहाटी आया था और मुझे पता नहीं था कि मेरा जर्नी गुवाहाटी से भी आगे है, मतलब गुवाहाटी से शुरू हो रहा है। तो मैं सोच रहा था कि गुवाहाटी में मेरा जर्नी खत्म हो जाएगा। फिर गुवाहाटी आके पहुँचने के बाद मेघालय जाने का टूर हो गया, तो अभी मैं चलता हूँ गुवाहाटी से मेघालय। तो चलो, वैसे भी पहले से गुवाहाटी वाला ब्लॉग मेरे पहले से है, आप जाके चेक कर लीजिए। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ मेघालय में और दिखाता हूँ आपको वहाँ का नज़ारा। मेरे हिसाब से जो जगह मैं जा रहा हूँ शिलोंग के आसपास है, तो भाई बहुत बढ़िया जगह होगा, बहुत माइंड ब्लोइंग प्लेस होगा। तो ठीक है चलो मिलते हैं रास्ते में। ये था मेरा होटल, तो फाइनली अभी मैं निकलने वाला हूँ होटल से और टाइम हुआ है सुबह 6:30। ये था मेरा होटल, होटल परदेसी सॉन्ग्स। फाइनली मैं यहाँ से अभी निकल चुका हूँ और मैं था बोलने को तो गुवाहाटी स्टेशन के पास पल्टन बाजार में मैं था। ये पल्टन बाजार, तो पल्टन बाजार क्रॉस करके अभी हम गुवाहाटी से निकलने के लिए जा रहे हैं। तो भाई लोग, मुझे मेघालय जाना है, दिसपुर जोरहाट होके मेघालय रूट को निकलना है, तो इसीलिए मुझे गुवाहाटी से मैं अभी दिसपुर जा रहा हूँ। टिफिन सेंटर है, यहाँ नाश्ता वगैरह करके फिर निकलेंगे हमारे मंजिल की ओर। तो हाँ, मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, वहाँ खाने के लिए भी ऐसे अच्छे से कुछ मार्केट वगैरह नहीं है या कुछ जो दुकान वगैरह भी इतना नहीं है, तो यहाँ से मुझे एक बार में पेट भर खाना खा के जाना है। फिर बाद में जो खाएंगे देखते हैं, वो बिस्कुट केक फ्रूट्स ये सब खा के काम चला लेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने पुलाव ऑर्डर कर लिया है और पुलाव प्राइस है इधर 30 रुपीज़ पर प्लेट। सोच रहा हूँ अच्छा मिलेगा, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ हमारा खाना ख़त्म हुआ है, सुबह का नाश्ता। तो ये जो रूट था ये था गुवाहाटी, और अभी जहाँ जाएंगे मेघालय की तरफ जाएंगे, मेघालय शिलोंग की तरफ वो वाला रूट जाएगा, जोरहाट होके निकलेगा फिर मेघालय। ये शायद दिसपुर हो चुका है। ये होर्डिंग के हिसाब से शिलोंग यहाँ से 80 किलोमीटर्स बाकी है, 80 किलोमीटर्स बाकी है, यानी कि हम अभी 20-30 किलोमीटर आ चुके हैं हमारे रूम से। तो नाश्ता जो हम लोग कर रहे थे भाई, बहुत बढ़िया टेस्ट था। हाँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि आप अगर पहाड़ को जर्नी कर रहे हो या कहीं पहाड़ी वाला जगह में जा रहे हो, एक्चुअली वहाँ खाना पीने के लिए ऐसे कुछ अच्छे से मतलब अरेंजमेंट नहीं मिल रहा होगा, तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाइए वरना हैरान हो जाएंगे। वैसे भी हम लोग एक दिन सिर्फ पाइनएप्पल खा के रुके थे, मतलब और कुछ मिल नहीं रहा था, सिर्फ पाइनएप्पल था, तो उसको ही खा के काम चला ली।
तो यहाँ से शिलोंग अब 74 किलोमीटर्स बाकी है, लेकिन आपके साथ ये 74 भी बहुत जल्दी चला जाएगा। एक्चुअली वो जो मैडम थे ना कार में, वो मैं मतलब कैमरा पकड़ रहा था तो मुझको देख के ऐसे, यार यार यूट्यूबर यूट्यूबर ऐसे बोल रहे थे, इसलिए उनका वीडियो को मैंने रिपीट कर लिया। कितना बड़ा टर्निंग दिखे भाई, कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म हो रही है टर्निंग। ओ भाई लैंडस्लाइड हुआ है भाई साहब, कल जब हम गए थे तो कुछ भी नहीं था यार, रात के अंदर इतना मतलब लैंडस्लाइड हो के ये वाला पेड़ गिर के फिर रोड ब्लॉक हो गया। चलो अच्छा हुआ ये मतलब दो साइड टू साइड रोड हुई, इसीलिए मतलब थोड़ा बहुत लोगों को आसान हो रहा है जाने के लिए, नहीं तो सिंगल वे रोड होने से तो बहुत दिक्कत होना था। देखिए रोड किस तरह से ब्लॉक हुआ है। हाँ ये मतलब थोड़ा सा हुआ है, ज़्यादा स्लाइड नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है ना। भाई 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 भाई, उसने मतलब कहाँ घुसा रहे ये गाड़ी लेके। अरे पास है तो उस वो वाला साइड में जाना है ना। एक्चुअली ये जगह नहीं है यहाँ, जिसका पास होता है ना वो मतलब बीच में ही घुसा लेता है, जहाँ खुला है वहाँ ही घुसा लेता है, जो भी अभी एक्सीडेंट होने वाला था उधर। अरे हम आके इधर आ रहे हैं तो उस तरफ से ये जाके उधर घुसा रहे तो एक्सीडेंट होगा ही ना। ये वाला रोड सबसे बेहतरीन लगता है, सबसे खूबसूरत लगता है। देखिए दोनों साइड में मतलब लोहे का वाल लगा हुआ है, फिर सर्विस रोड है, फिर जो ग्रीन कलर वाला मतलब बीच में पेड़ लगा हुआ है। अच्छा लगता है ये वाला रोड। भाई लोग ट्रैवल करते करते अभी हम आके पहुँचे हैं इधर। एक वाटरफॉल था, गांव का नाम उमसिंग से थोड़ा पहले, गांव का नाम मुझे पता नहीं क्या है, वैसे भी जो गांव का नाम है वो अभी मेरे मुंह में नहीं घुस रहा है। तो ठीक है, अभी हम आके इधर पहुँचे हैं और जो वाटरफॉल आप लोग देख रहे हैं भाई, इसका नज़ारे की बात करें तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है यार। आवाज़ तो आप खुद ही सुन सकते हो, सुन रहा है ना आवाज़। ସେଇ ଭିତରେ ବୁଲେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେ ଟଙ୍କାପୁର ପାଖାପାଖି ପଳେଇଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ତ ମାଡଗୋଳିଆ ଇଏରେ ଚାଲିଛି ଆଉ। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଯେଉଁ ଗାଁ ଥା ଉମସିଂ, ତ ହମ ଉମସିଂ କ୍ରସ କରକେ ଅଭି 1-2 କିଲୋମିଟର ଆ ଚୁକେ ହେଁ। ଔର ଭାଇ ଲୋକ ମୈଁ ଆପକୋ ଅଭି ଦିଖାନା ଚାହତା ହୁଁ
मैं अभी हूँ शिलोंग से 15 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर हूँ। लेकिन भाई यहाँ से भी अगर आप नज़ारा की बात बारे में बात करना चाहते हो, बहुत बढ़िया लगता है, लाजवाब है। यहाँ का जितना भी सीन आप लोग देख रहे हैं, ये जो पहाड़ है, और बहुत खूब लग रहा है यार। मैं बयां भी नहीं कर सकता कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ का नज़ारा। चलो ठीक है, आपको एक बार मैं घुमा के सारा नज़ारा दिखा देता हूँ। हेलो, मेरा ये 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको कितना दिखा रहा है यहाँ का नज़ारा, मैं तो ये बता नहीं सकता। लेकिन आई होप कि जितना भी आप देख रहे हैं ना, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो पहाड़ के ऊपर एकदम क्लाउड ही क्लाउड है, और विजिबिलिटी भी यहाँ बहुत कम है। वो नीचे एक रास्ता गया है, और एक बात ये है कि आप अगर ये वाला जगह को आ रहे हो तो भाई यहाँ खाना रहना ये सब का अरेंजमेंट आपको पहले से करना पड़ेगा। अगर नहीं किया हो तो यहाँ आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। ये देखो डोमिनार जा रहा है, मेरा फेवरेट गाड़ियों में से एक, मतलब जो भी दो तीन गाड़ी अच्छा लगता है उसमें से जो डोमिनर है ना, मस्त लगता है मुझे। कितना बड़ा टर्निंग है ये देखिए, मतलब घाटी में जा रहे हैं ना, तो एक टर्निंग क्रॉस करने के बाद फिर चढ़ना पड़ता है, फिर मतलब पहाड़ के ऊपर ऊपर ही हम लोग जा रहे हैं। और ये जो टर्निंग हम क्रॉस किए, ये प्लेन लैंड को छोड़ के भी पहाड़ के ऊपर हम चढ़ने लगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बारिश इतना ज़ोर से आ रहा है तो आगे बारिश हो सकता है, तो वही हुआ, बारिश शुरू हो चुका है। और हम आगे इधर NH में जा रहे थे तो कुछ था ही नहीं, कि अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, तो वो वाला घर में रुके हैं। कुछ भी नहीं था यार, मैं रास्ते में जा रहा था, एक हठात कहाँ से बारिश आ गया, जो बादल है बादल आ गया, फिर अचानक ऐसे बारिश हो गया। अब देखो कहाँ सूखा था, किसको गीला कर दिया आके। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बारिश होता है ना, थोड़ी देर में कम हो जाता है, मतलब बारिश रुक जाता है, तो फाइनल बारिश रुकने के बाद ही हम लोग निकलेंगे। तो भाई लोग, अभी हम आके उमियम में पहुँच चुके हैं, और यहाँ से अभी जो शिलोंग देख रहे हैं आप लोग, ये 19 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से शिलोंग अभी 19 किलोमीटर है। तो यहाँ एक लेक है, उसका नाम है उमियम लेक, और उमियम लेक, चलो मैं आपको थोड़ा बहुत उसका नज़ारा दिखा देता हूँ। ये है उमियम लेक, और बहुत बड़ा लेक है, और आप ड्रोन से अगर इसका चारों तरफ का नज़ारा देखोगे भाई, इतना खूब लगेगा कि जैसे कि कर्नाटक का कोई बीच ऐसा लगेगा आपको। ये देखिए ड्रोन से रिकॉर्ड हुआ वाला सीन, मतलब साइड में रोड गया है, फिर उसके पास थोड़ा सा जगह है, फिर लेक शुरू हो जाता है। लेक का तीन साइड सिर्फ रोड ही है। वाह 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 वाह, ये तो है भाई पैसा वसूल वाला सीन, मतलब लाजवाब लगता है यार इसको देख के ना, मतलब बहुत खूब लगता है। बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ स्लाइड स्लोप, ये रेनी सीजन में बारिश का मौसम है, स्लाइड स्लोप बहुत होता है, और ये देखिए लैंडस्लाइड किस तरह से हुआ है, ये देखिए, मतलब ऐसे कि डर लग जाता है यार, इतना बुरे तरीके से होता है ये लैंडस्लाइड। और यहाँ गाड़ी का स्पीड के बारे में बात करें तो भाई गाड़ी का स्पीड 80 से 90 और उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं। तो अगर कोई राइड करके आ रहे हो तो ज़रा संभल के आने के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा। अगर कोई बाइक वगैरह लेके आ रहे हो तो भाई, अगर दो आदमी हो तो डबल हेलमेट ज़रूर लगाएगा, और हम दोनों भी स्कूटी में जा रहे हैं अभी डर में, लेकिन हम भी डबल हेलमेट पहने हैं। तो हाँ, शिलोंग तो उसी तरफ है, चलो शिलोंग वो जो पहाड़ देख रहे हैं ना, उस तरफ ही शिलोंग है, हमको शायद उस पहाड़ तक पहुँचना पड़ेगा शिलोंग जाने के लिए। और ये यहाँ से हमारा शिलोंग शिलोंग वाला जर्नी शुरू। रास्ता का नजारा तो बहुत है, बहुत
बहुत बड़े। तो ये है आपका उमियम लेक। सारा 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 का सारा ग्रीन है और कुछ कलर आपको मिलेगा ही। बढ़िया जगह साइड की जगह था ना, गाड़ी मना कर साइड हो नहीं। चलो पुलिस मना कर, तो यहाँ भी पुलिस अंकल मना कर रहे थे कि यहाँ गाड़ी साइड नहीं करके खड़ा नहीं हो सकते। चलो ठीक है, आगे जाके खड़े रहेंगे। खरा हो भल कि देखा पचास जगह शिलंग पचास जगह गोटे शिलंग हाँ शिलंग लेखा सर्विस सिंगल लोड सब होगा। हाँ सब सिंगल लोड देखे चाहिए चल रहे हैं। हाँ अच्छा यार अच्छा भाई। हाँ चार्ज तो हुआ मोबाइल रे। हाँ अरे पावर बैंक लग गया। बोलेगा ये वाला जगह शिलोंग से अब सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी है, लेकिन यहाँ से जो सीन है ना मस्त दिख रहा है। और ये जो राइट साइड में आप एक ब्रिज देख रहे हो ना, तो वो वाला ब्रिज पकड़ के हमको शिलोंग जाना पड़ेगा। शायद आगे जो पहाड़ दिख रहे हैं वो वाला शिलोंग है। तो भाई लोग जो आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी उमियम लेक का उस तरफ था, ठीक है उसी तरफ था, फिर हम एक राउंड लगा के इधर आ गए, दूसरा तरफ है। देखिए कितने बड़ा पहाड़ के ऊपर वो वाला घर बना हुआ है, पहाड़ का दोनों पहाड़ के बीच में घर बना हुआ है। यहाँ का नजर है भाई मुझे यहाँ से यमदूत दिखाई दे रहे हैं। ये हम लोग पास में है यहाँ से, ये डैम। रास्ता भी बहुत स्लो पड़े है ठिया हो कथा ठिया है देख कुछ गला बेलू आठ नौ दस ही तो चलो मजा नहीं कि जाओ मजा नहीं। भाई लोग बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो मेरा मोबाइल भी पानी पानी हो गया, फिर भी वीडियो बंद नहीं हो रहा है। ये देखिए ताकत है भाई, देखिए अब बड़े सीधा होते हैं क्या थोड़ा मुझे नहीं कम चल सो। ट्रैफिक जाम उस तरह से हवा भी बहुत मार रहा है, ठंडा हवा ठंडा लग रहा है, जैकेट नहीं है, ऊपर से बारिश भी हो रहा है। क्या दोस्त
ठंडा किसी हो नहीं। चेरापुंजी तो मुझे कोई भी नहीं कितना देखा नहीं था तो सिलम कवर कर रहा हूँ कितनी तारीख है चेरापुंजी को सन्नी हिल लोग अपने टूर पर एक आसन कर दिए सीधा सीधा। हाँ ये वाला रूट सिलचर जाएगा नहीं, ये वाला आगे वाला उस तरफ जाएगा सोरा और ये सीधा जाएगा शिलांग टेम्पल। वर्षा होती लगुच बरफ वर्षा होगा कड़े पड़ोसी दिए रोहन टूटा लगे ना। तो भाई लोग ये आप लोग जो देख रहे हैं ये शिलोंग का है, मतलब शिलोंग है और शिलोंग का व्यू पॉइंट मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ से आप पूरे शिलोंग को देख सकते हो। वाकई शिलोंग बहुत ही खूबसूरत है। वैसे जो कोई ब्लॉग में देखता है, मतलब मैंने जो ब्लॉग में देखा था या कुछ इमेजिन किया था कि जिस तरह सा होगा ये शिलोंग, एक्चुअली उससे भी बहुत बेहतरीन है। फाइनली पहला मंजिल में हम पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ से इतना बढ़िया लग रहा है ये वाला नज़ारा देख के तो बता भी नहीं सकता मैं यार सही में। चलो ठीक है दिखाता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ अभी बारिश चल रहा है और थोड़ा थोड़ा बारिश की वजह से इतना ठंडा लग रहा है यार, मैं तो कांप रहा हूँ, जैसे मेरा बॉडी कांप रहा है मतलब ठंडा में। नासा भी मेरा बंद हो गया है। वो सारा पहाड़ हम कवर करके आए हैं, वो सारा पहाड़ हम कवर करके घूमते 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 ही आके इधर पहुँचे हैं। और यहाँ से मेरा हमारा दूसरा मंजिल शुरू होगा चेरापुंजी 50 किलोमीटर से, तो फाइनली एक या डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा पहुँचने के लिए। चलो ठीक है, चेरापुंजी में सबसे ज़्यादा बारिश हो रहा है आपको तो पता होगा। ये वाला ब्लॉग में भी नहीं हुआ है तो भी ठीक है, मैं अगर जाऊँगा तो दूसरा ब्लॉग में, मेरा जो अगला वाला ब्लॉग आएगा वो वाला ब्लॉग में चेरापुंजी का वीडियो ज़रूर आएगा। तो अब आपको मैं दोबारा ये बताने वाला हूँ कि ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरा ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसको मतलब कमेंट डालिए, अच्छा अच्छा कमेंट दीजिए और कुछ भी भाई बुरा हो लग रहा है आपको कि नहीं भाई हमको ये चाहिए, हमको ट्रैवल के ऊपर अच्छा नहीं लगता, कि जो भी हो भाई, जो भी आप मतलब सोच रहे हो ना तो वो भी लिख के दे दो, मैं भी आपको आपके ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कोशिश करूँगा। भाई देखो यार यहाँ इतना बारिश हो रहा है, बारिश तो बहुत ज़ोर से शुरू हो गया यार, मेरा मोबाइल भीग जाएगा। तो भाई लोग हम आके शिलोंग का व्यू पॉइंट में अभी पहुंच चुके हैं और आप जो देख रहे हैं, एक सेकंड, और आप जो देख रहे हैं ये शिलोंग पीक जाने का रास्ता है, ये जो पीछे वाला रास्ता। और सुबह से हम कुछ भी नहीं खाए थे तो यहाँ आकर चाय बिस्कुट और मक्के वक्के ये सब खा के, अभी तो मैं खा रहा हूँ, तो ये सब खा के अभी हम निकलने वाले हैं चेरापुंजी की तरफ। यहाँ से बहुत रास्ता है चेरापुंजी आने के लिए, लेकिन यहाँ से फिलहाल हमको कितना 50 के आसपास आ जाएगा डिस्टेंस, तो फाइनली एक घंटा या डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा हमको पहुँचने के लिए। तो भाई लोग आप जो देख रहे थे वीडियो यहाँ तक था, उसके बाद मैंने चेरापुंजी के लिए निकल गया, लेकिन चेरापुंजी वाला ब्लॉग दूसरा वीडियो में आएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है ना, इसीलिए मैं वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, अगर आप नया है मेरे चैनल में तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्या बोलूँ, चलो ठीक है, मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक रहता हूँ, थैंक यू, जय जगन्नाथ।
सी यू सून।